छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले के नीपरखार गांव के मिडिल स्कूल में हूँ। शिक्षक कर्मी शिक्षक को सही समय पर वेतन नहीं दिया जाता है, जिससे उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है और इसका असर बच्चों के ऊपर होता है। मैंने सोचा था कि शिक्षा कर्मी के साथ साथ मुझे अच्छे जिंदगी जैसे अच्छा तनख्वाह मिल जाएगी। वेतन समय समय पर उपलब्ध नहीं होता, समय समय पर देते नहीं हैं और वेतन वैसे भी कम दिए जा रहे हैं, तो शिक्षा कर्मी लगातार करने में अब समस्या आ रहा है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं और ना ही हम अपने सामाजिक स्तर को ऊपर उठा पा रहे हैं, आर्थिक स्थिति को ऊपर उठा पा रहे हैं। आज की एक बड़े से बीकर लेंगे, आधा से ज्यादा इसमें क्या बनी? हमको सरकार ने भर्ती समय माध्यम बना दिया पंचायत के, और शिक्षक को सरकार सीधा से आदिम जाति कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग से भर्ती किया है। आपका पैसा पेमेंट इसके लिए आप लोगों ने कोई पहल किया है? हम लोग हजार बार हड़ताल किए, कई सांकेतिक प्रदर्शन किए, हमको कई बार जेल जाना पड़ा है, कोई फैसला नहीं होता। बोलते हैं नौकरी निकाल देंगे तुमको, जाके ज्वाइन करो, नहीं तो तुम लोग की नौकरी खत्म हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे मैडम, इतने MBA करने के बाद में अगर थोड़ा सा अधिकार मांग रहे हैं तो हमारे नौकरी के बारे में बोलते हैं। जो नए सरकार आते हैं चाहे कोई भी पार्टी का हो, हमारे लिए छत्तीसगढ़ का शासन जो भी रहा है वो हमारे हित में आज तक नहीं सोचा। तो बहुत मुश्किल से 600 से आज बेसिक बना है 5000। मैं चाहती हूं कि शिक्षा कर्मियों को सही समय पर वेतन दिया जाए। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण एक मूल मंत्र है जो शिक्षा है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। भारत सरकार के द्वारा शिक्षा की नीतियों में कमी है, इसलिए जो भी शिक्षा की नीतियां हैं उसको सही किया जाए। मैं भान साहू, विडो वॉलंटियर्स